अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल माय यूट्यूब फैमिली। तो यहाँ पर बना रहे हैं कुल्हड़ वाली आइसक्रीम, तो आपको इसकी रेसिपी दे देते हैं। तो 1 लीटर हमने मिल्क लिया, मिल्क को बॉयल होने के लिए रख दिया। 250 ग्राम मावा लिया है, 1 बाउल हमने शुगर ली है, और ये मिक्स ड्राई फ्रूट्स हैं। इसमें है आपका कैशोनट जो हमने क्रश किया है, और बादाम है, और चिरौंजी है, और कोकोनट। इन सबको हमने क्रश करके इस तरीके से रख लिया है। उसके बाद दूध में आपने अच्छी तरीके से बॉइलिंग आने देना है, जब तक ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। ये हाफ बाउल के बराबर है हमारे पास। ये देखिए, मेजरमेंट करके हम आपको बता रहे हैं। मावा लिया है और शुगर ली है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप फुल बाउल भी यहाँ पर 1 kg में यूज़ कर सकते हैं। ये मीडियम साइज़ की बाउल है। तो उसके बाद देखिए, दूध में हमारा अच्छा सा टेक्सचर आने लगा है और ये थिक होने लगा है। थिक होने के बाद आपने यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं कार्डमम, पिसी हुई कार्डमम, यानी अपनी इलायची 1/2 टीस्पून, और उसको भी आपने लास्ट में शामिल करना। अभी हमने शामिल नहीं किया, आपको सिर्फ दिखाया है, ठीक है। तो उसके बाद ये देखिए, दूध में हमारी अच्छी थिकनेस आ रही है। तो अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर इसको कम से कम इतना पकाना है कि आप 1 लीटर मिल्क रखें ना, तो वो 1/2 लीटर हो जाए, इतना पकाना है। फिर उसके बाद हमने 250 ग्राम मावा लिया है। मावा को हमने, ये अमूल का मावा है, आपको आसानी से अवेलेबल है और मिल जाता है। आप किसी भी इंडियन स्टोर में देखेंगे तो आपको आसानी से अमूल का मावा मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग ऐसी कंट्रियों में रहते हैं ना जहाँ पर आसानी से नहीं मिलता, तो इसकी वजह से हमने आपको बता दिया। तो ये देखिए, अब ये भी मेल्ट हो चुका है मावा भी हमारा, इस मिल्क के साथ। मिल्क के साथ मावा ऐड होने के बाद आपने क्या करना है, अपने ड्राई फ्रूट्स जो हमने क्रश करके रखे हैं, चिरौंजी को हमने क्रश नहीं किया, बाकी चीज़ों को हमने क्रश कर लिया है, उसको भी हमने अच्छी तरीके से इसी में मिक्स कर दिया। उसके बाद 1/2 टीस्पून यहाँ पर इलायची अब हमने शामिल की है, पहले से नहीं। फिर 1 बाउल हमने शुगर ली थी, उसको भी हमने, ये 100 ग्राम के समथिंग होगा, हमें ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है इसलिए हमने थोड़ी सी अलग कर ली है। फिर ये देखिए, ये अच्छी, अब आपने इसको तब तक पकाना है जब तक ये 1/2 ना हो जाए। पहले तो आपने 1/2 कर लेना है जब आप 1 लीटर रखेंगे, उसके बाद अब आपने तब तक पकाना है जब तक ये 1/2 ना हो जाए। अच्छी सी थिकनेस आनी चाहिए, मिल्क में वाटर नहीं होना चाहिए, वरना वो आइसक्रीम आपकी अच्छी नहीं जमेगी। फिर ये देखिए, अच्छी सी थिकनेस जैसे रबड़ी की होती है ना, उस तरीके से आ गई है। आने के बाद यहाँ अगर आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हैं केसर, और केसर को हमने हाथ से क्रश कर इस पर शामिल कर दिया है। अगर है तो आप डाल दें, नहीं है तो कोई भी मसला नहीं है। तो हमने उसको भी यहाँ पर शामिल कर दिया लास्ट में, और अब इसको हम 2 से 3 मिनट्स तक, और इस केसर के कलर तक चेंज होने तक और पकाएंगे। अच्छा जी, ये देखिए कितनी अच्छा सा कलर अब आपकी आइसक्रीम में आ चुका है। अगर आपके पास कुल्हड़ नहीं है तो आप ये आइसक्रीम जो डिस्पोजल वाले गिलास आते हैं ना, उस पर भी बना सकते हैं। तो हमारे पास अवेलेबल है, इसलिए हम कुल्हड़ वाली आइसक्रीम बना रहे हैं, तो हमने कुल्हड़ यूज़ कर लिया, और एक पॉट और है उस पर भी हम इसको जमाएंगे। तो ये देखिए, अभी इसको हमको ठंडे होने का वेट करना है, और फिर आपने कैसे इसको कवर कर रखना है वो भी हम आपको बताते हैं। तो पहले आप देखिए, अच्छी तरीके से ठंडा हो जाना चाहिए। अभी हमको आपको वीडियो शूट कर रहे थे तो हमें आपको दिखाना था, और इसलिए हमने कुल्हड़ों में डाल दिया, लेकिन जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा ना, तब आपने इसको कुल्हड़ या डिस्पोजल में शामिल करना है। तो ये देखिए, इस तरीके से आपने इस पर डाल देना है, और अब ये आपकी कुल्हड़ वाली आइसक्रीम बहुत टेस्टी बनती है। बाज़ार में तो खैर ऐसा टेस्ट नहीं आता, आप एक बार ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, हमने सब में लगा दिया ना, 2 कुल्हड़ों में और एक पॉट पर, अपने कटोरी है उस पर भी हमने इस पर डाल दिया है। अगर आपके पास और कुल्हड़ है तो आप कुल्हड़ में भी रख सकते हैं। तो अब इस तरीके से एल्युमिनियम फॉइल से आपको इसको कवर कर देना है अच्छी तरीके से, जिससे वाटर अंदर एब्जॉर्ब ना हो और आपकी इस आइसक्रीम वाटरी ना हो, इसकी वजह से एल्युमिनियम फॉइल आप यूज़ करें। और ये देखिए, हमने इसको सबको अच्छी तरीके से ठंडा होने के बाद कवर कर लिया है, और 4 से 5 आवर्स आप ये फ्रीजर पर गए हैं, और उसके बाद आपकी आइसक्रीम रेडी हो जाएगी खाने के लिए। ये देखिए, ओपन कर रहे हैं हम, बहुत अच्छी सी
फ्लेवर और बहुत अच्छे सा आप ऐसे भी किसी को सर्व कर सकते हैं। अगर आप ऐसा सर्व नहीं करना चाहते तो आप इसको 2 मिनट्स के लिए वाटर पर कुल्हड़ को रख कर फिर उसको हम बताते हैं किस तरीके से भी आप सर्व कर सकते हैं। इस तरीके से आप निकाल लें आइसक्रीम को और आइसक्रीम स्टिक लगाकर आप इस तरीके से भी इसको सर्व कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए बच्चों को आप इस तरीके से देंगे बहुत हैप्पी हो जाते हैं और अच्छी भी लगती है खाने में भी। और अगर आप चाहते हैं तो कुल्हड़ में भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है, वो अपनी मर्जी है। आइसक्रीम टेस्टी टेस्टी आइसक्रीम रेडी हो गई है होममेड। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूला।